पूर्वोत्तर का राज्य असम, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा आए दिन कोई ना कोई भाषण ऐसा देते हैं, कोई ना कोई बयान इस तरह का देते हैं जो समाज को बांटने वाला, नफरत पैदा करने वाला, लड़ाने वाला, दंगे भड़काने वाला जैसा होता है। आज असम के 18 विपक्षी दलों ने मिलकर हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। समूचे विपक्ष का आरोप है कि शर्मा हेमंत विश्व शर्मा, या हम फिर बता दें एक बार और, यह शर्मा नहीं है बल्कि शर्मा है। शर्मा वो लोग कहलाते हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान जो बलि दी जाती है देवी देवताओं को, मवेशियों की जो गर्दन काटते हैं, काटने का काम करते हैं, उनको शर्मा कहा जाता था। अब हो सकता है इसमें ये हो कि सर मीन्स गर्दन या खोपड़ी और माँ मीन्स अलग कर देना, सर को अलग कर देना, शर्मा कुछ इस तरह से बनता हो, तो ये शर्मा है, शर्मा नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है तो मीडिया के लोग भी वो शर्मा लिखते हैं। समूचे विपक्ष का आरोप है कि हेमंत विश्व शर्मा लोकसभा चुनाव के बाद से ही दंगा कराने की कोशिश में विश्व वमन कर रहे हैं। अब ये विश्व वमन पता नहीं क्या है। अब यहाँ पर हम कृष्णकांत हैं एक्स यूजर, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, ANI से ये वीडियो है। वो लिखते हैं बाद में आखिरी लाइन, सोचिए कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ही खतरा है। यहाँ पर हम आपको 18 विपक्षी दल असम के, जिन्होंने हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है कि वो दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा, जातीय दंगा, दंगा कई तरह का होता है, तो वहाँ सिर्फ सांप्रदायिक और जातीय दंगा भड़काने की कोशिश की जाएगी। ऐसी कोशिश और भी जगहें भी हो सकती हैं। अब वो क्या कहते हैं विपक्षी दल, वो सुने आप। चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा का खिलाफ आज हमारा विरोधी ओपोजिशन फोरम असम, जिसमें 18 पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग एक साथ हैं, हम लोग ने दिसपुर थाना में एक FIR दर्ज किया। 4 जून लोकसभा रिजल्ट आने का बाद से लगातार असम CM ने हमेशा कोशिश किया है कम्युनल रायट कराने के लिए, जनता का बीच घृणा पैदा कराने के लिए, कम्युनल रायट कराने के लिए वो हमेशा ऐसा बयान दे रहा है। ये बयान वो असेंबली का अंदर भी देना शुरू किया, इसलिए हम यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम ने देश का महामहिम राष्ट्रपति को भी हम निवेदन करेगा ये हेमंत विश्व शर्मा को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उसने खुद को एक पागल कुत्ता बोल के पब्लिकली अनाउंस किया है, सेल्फ डिक्लेयर्ड मैड डॉग डिक्लेयर्ड बाय हेमंत विश्व शर्मा हिमसेल्फ, सो ही शुड बी सस्पेंड, ही शुड बी सस्पेंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड ही शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली, सो वी लॉन्च ए FIR इन द डिस्प्यूट पुलिस स्टेशन। ये हेमंत विश्व शर्मा जाति माति पूरा आसाम का बात नहीं करता है, वो माटी का बात जो करता है वो अपना फैमिली का माटी का बात करता है, फैमिली का जमीन का बात, बागान का जमीन, रिसोर्ट का जमीन, स्कूल का जमीन, वो जो उस समय इलेक्शन का समय में माटी बोला था वो भी पूरा आसाम को मालूम हो गया था, ये जमीन जो इलेक्शन का भाषण में दिया था ये अपना पुरियाल का जमीन के बारे में बात किया था, ये आसाम का जनता का जमीन के बारे में नहीं सोच रहा है। ये विपक्ष के नेता हैं जो अभी बोल रहे थे और आरोप लगा रहे थे या अपनी बात बता रहे थे। हेमंत विश्व शर्मा आए दिन ऐसी बातें कहते रहते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में बोला था कि मैं पक्षपात करूँगा और कोई रोक नहीं सकता है, वो मुस्लिम समाज को लेकर के एक से खतरनाक भाषण देते हैं, बयान देते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आसाम के अंदर जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकना उनका पहला कर्तव्य है। अब इस तरह की बात संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब मंच से बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, सार्वजनिक बयान देते हैं, तो यह संविधान का खुला उल्लंघन होता है।
उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, पार्टियाँ नहीं करती, अदालत भी कोई इस पर नोटिस नहीं लेते हैं, इसलिए आज़ाद रहते हैं और बेफिक्र रहते हैं कि हमारा कुछ होगा नहीं, वरना इस तरह के लोगों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अभी आसाम का विपक्ष समझता है कि हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, तो वो सांप्रदायिक दंगा भड़का सकते हैं या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराई गई है। शुक्रिया आप सभी का।